डिस्कशन होता है इसको लेकर भी मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन वहां पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि साहब कम से कम 3 दिन तो चर्चा होनी ही चाहिए थी, इस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। और इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, लगातार देखिए बड़ी खबरों का आने का सिलसिला जारी है। और अब जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ, उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर पद के आगे पूर्व लिख लिया। मोईद ने इमरान का शुक्रिया भी अदा किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के मोईद यूसुफ ने अपने ट्विटर बायो पर पद के आगे पूर्व लिख लिया है। और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का। हमारे साथ अब पीएमएलएन मतलब जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके नेता इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि साहब देखिए चुनाव की बात कर रहे थे विपक्ष के नेता आप, जबकि चुनाव का मौका आया तो ये लोग भाग रहे हैं डरकर, ऐसा हो रहा है क्या? शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि कभी हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, जब हमारी टीम हार रही होती थी हम विकेट उखाड़ करके भाग जाते थे और फिर इसी तरह मुस्कुराते थे जैसे खान साहब मुस्कुरा रहे हैं 2 दिन से ना। तो बाद में क्या होता है कि मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के फैसला करते हैं, तो वही फैसला हमारी अदालत में होने वाला है इंशाल्लाह। तो कल तक रिलीफ मिल जाएगी सारी पार्टीज को भी और पब्लिक को भी और हमारी आवाम को भी। तो वही खेल खेला जा रहा है। थोड़ा डिटेल में बता पाए कि आप कल सुप्रीम कोर्ट से अपनी किस तरीके के फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, आप किस फैसले की उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, जो हक पर सच होगा अदालत उस पर फैसला देगी। अदालत सुन रही है, अभी सुबह फिर दोबारा एक दफा सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी अदालत फैसला करेगी हक पर सच का फैसला होगा इंशाल्लाह। हमारी अदालतें हमेशा रिलीफ देती हैं हक के लोगों को, जिनका हक होता है उनको रिलीफ मिलता है। अब देखना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसी पर फैसला होगा। जो फैसला होगा हमें कबूल होगा मनु अन, हम कभी भी अदालत के खिलाफ बात नहीं करेंगे और ना ही अदालत कभी हक के फैसले को गलत फैसला देगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि सही फैसला होगा और ये मुस्कुराहट है ये जो कुछ भी है ये फीकी पड़ जाएंगी कल सुबह तक इंशाल्लाह। तो 2 दिन सुनना चाहिए था अदालत को, उन्होंने सुना, आज भी वकीलों को सुना, सबको सुना, तो कल इसका फैसला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ स्पेसिफिक जो आप सोच रहे हो कि इस तरीके का फैसला आ सकता है या आना चाहिए, मतलब संपर्क हमारा कट गया इरशाद अहमद खान साहब से, दोबारा उनका रुख करेंगे। इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी बहुत चुके हैं। कर्नल दानवीर, यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें अपनी अदालत से बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरा सवाल ये कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल को यहाँ नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के नेता नजर आ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है या ये उनके लिए जरूरी है? क्योंकि कुल मिलाकर सारी जो कठपुतलियां हैं इनकी डोर तो सेना ही के हाथ में है। देखिए पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से एक चीज कांस्टेंट है, जहां तक रूल का सवाल है वो है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान का चेहरा कौन है हुकूमत के ऊपर उससे कोई मतलब नहीं है, जो कांस्टेंट है वो पाकिस्तान की आर्मी है एक। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी 2 फैक्शंस हो चुके हैं। एक फैक्शन स्पेशली मिडल रंग फैक्शन जो है वो नवाज शरीफ समर्थक है और पंजाब के सियासत के अंदर नवाज शरीफ की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जो सीनियर मिलिट्री पर्सनल हैं उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत आपकी इमरान खान वाली है। तो ये दो जो पहाड़ में बटी हुई है पाकिस्तान की फौज, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की फौज को अभी तक रोके हुए है मिलिट्री कू करने से, नहीं तो वरना इस समय पूरे हालात एकदम सटीक सेट बैठे हुए हैं कि मिलिट्री रूल हो जाए। लेकिन अगर कोई पहलकदमी कमर बाजवा साहब करते हैं तो एक बगावत जैसी स्थिति पाकिस्तान की फौज के अंदर पैदा हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।